टीवी के पॉपुलर शो उडारिया से घर घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बिग बॉस 16 का हिस्सा बनने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। प्रियंका चाहर चौधरी को फैंस ने एक बार फिर से मुस्कुराने की वजह दे दी है। बीते दिनों ही प्रियंका ने बॉलीवुड लाइफ अवार्ड्स के 5वें संस्करण में एक ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बता दें कि प्रियंका चाहर चौधरी को ये अवार्ड टीवी कैटेगरी में मिली है। बॉलीवुड लाइफ अवार्ड 2024 पाते ही प्रियंका चाहर चौधरी की खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं रहा। एक्ट्रेस ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बॉलीवुड लाइफ के रीडर्स और जूरी मेंबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। प्रियंका चाहर चौधरी ने बॉलीवुड लाइफ अवार्ड्स 2024 की टीवी कैटेगरी में फैशनिस्टा ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। इस अवार्ड को अपने नाम करने के बाद प्रियंका की खुशी देखते ही बन रही है। प्रियंका ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया बॉलीवुड लाइफ फैशनिस्टा ऑफ द ईयर अवार्ड देने के लिए। ये काफी आश्चर्यजनक है कि फैंस में ये मेरा दूसरा अवार्ड है। आप सभी लोगों का शुक्रिया। इससे साबित होता है कि आपको अलग दिखने के लिए ट्रेंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप रियल बनी रहिए। बता दें कि बिग बॉस 16 खत्म होने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी का नाम कई प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा था। हाल ही में एक्ट्रेस का नाम एकता कपूर के अपकमिंग सुपर नेचुरल ड्रामा नागिन 7 से भी जुड़ा। शो के लिए प्रियंका का नाम सामने आते ही फैंस की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। हालांकि एक्ट्रेस ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्लियर किया कि वह इस शो का हिस्सा नहीं बनेंगी। एक्ट्रेस के मुताबिक, मैं इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगी क्योंकि मैं इस पोजीशन पर नहीं हूं कि इस शो के बारे में अभी कोई बात करूं, क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी तो मैं टीवी से ब्रेक ले रही हूँ और खुद के लिए समय निकाल रही हूँ। बता दें कि प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस उन्हें जल्द से जल्द पर्दे पर दोबारा देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए प्रियंका चाहर चौधरी को बॉलीवुड लाइव टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आप भी टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए बने रहिए।